सो है गाइज, वेलकम बैक टू द माई चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ए के यू जितना यूनिवर्सिटी है उसके अंदर का जितना कॉलेज हैं वो सारे कॉलेज जो है AICT से अप्रूव्ड है, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो भी अभी डिप्लोमा कर रहे होंगे, ठीक है, डिप्लोमा कर रहे होंगे या ITI कर लिए होंगे या ITI कर रहे होंगे, वो सारे इंस्टीट्यूट जो हो AICT से अप्रूव्ड होते हैं। आपको ये सारा बात बहुत ही अच्छी तरीके से पता होगा। अब जो मैं काम की बात बता रहा हूँ, वो काम की बात ये है कि अभी एक लेटेस्ट अपडेट आया है जो कि AKU के तरफ से आया है, ठीक है, AKU के तरफ से। साथ ही साथ जो SBT करते हैं, जो बिहार से पॉलिटेक्निक करते हैं SBT, उनके लिए भी ये न्यूज मतलब की है, ठीक है। तो दोनों बोर्ड के लिए, साथ ही साथ UP के भी जो भी बोर्ड है उन सबों के लिए भी है। तो जितने भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लड़के हैं या लड़कियां हैं सभी के लिए न्यूज होने वाला रहेगा। तो इस न्यूज़ को चलिए हम लोग डिटेल्स में समझते हैं। बट आपको यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर अभी एक इम्पोर्टेंट नोटिस आया है। वो आया है कि AICT ने एक अपना पोर्टल लॉन्च किया है, यानी कि एक तरीका से स्कीम है जिसका नाम रखा गया है परख, ठीक है। इस परख में आपको क्या करना है, सिंपल जाकर के इस साइट पे रजिस्ट्रेशन आपको कर लेना है। रजिस्ट्रेशन जो बताया जा रहा है वो मैंडेटरी कर दिया गया सभी इंस्टीट्यूट के लिए, और उसके अंतर्गत जो भी इंस्टीट्यूट आएंगे वो इंस्टीट्यूट आपको मैं बता दूं कि इंजीनियरिंग के होंगे, MBA के होंगे, MCA के होंगे और सारे इंस्टीट्यूट होंगे। तो ये जो है कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन अपडेट है जो कि AICT द्वारा लिया गया है, और इस परख पोर्टल पर जा करके सभी को रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही ज़रूरी कर दिया गया है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे सभी के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है, तो खास करके मैं यहाँ पे मेरे चैनल पे जो भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या जो भी डिप्लोमा ITI के जो भी स्टूडेंट हैं मेरे, उन सभी से मैं अभी अपडेट करने वाला हूँ कि प्लीज़ आप जा करके इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कन्फर्म ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा आपका मददगार साबित होने वाला रहेगा ये परख, ठीक है। तो एक्चुअली में परख है क्या, काम कैसे करता है, इसका मेन मोटिव क्या है, इसका मिशन क्या है, इसका विजन क्या है, तो चलिए इन सभी को एक छोटा सा ब्रीफ में नॉलेज लेते हैं, और फिर उसके बाद से कैसे हम लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इस साइट पे जा करके, और कैसे अपने फॉर्म को सक्सेसफुली सबमिट कर सकते हैं, और कैसे आप असेसमेंट लगा सकते हैं, कैसे टेस्ट वगैरह दे सकते हैं, सारा चीज़ को यहाँ पर वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए वीडियो को फर्दर आगे की तरफ मूव करते हैं। जैसे ही कि मैं आपको बता दूं कि एक जो पोर्टल का लॉन्च किया गया है, इस पोर्टल का नाम तो आपने अभी सुना ही है कि परख, मैंने बता दिया, ठीक है। बट परख में एक स्कीम चल रहा है जिसका नाम है स्टूडेंट लर्निंग असेसमेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट लर्निंग असेसमेंट मेनली जो काम करेगा वो ये काम करेगा कि मेजर्ड काम करेगा, बेंचमार्क होता है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि अपने कॉलेजेस में या किसी भी कॉलेज में जो पढ़ते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में, वहाँ पे मुझे प्रैक्टिकली नॉलेज दिया जाता है, ठीक है, प्रैक्टिकली नॉलेज देता है, और साथ ही साथ थ्योरेटिकली जो हम लोग बुक में बातें लिखी रहती है उसको पढ़ते हैं। बट इंडस्ट्री में क्या चल रहा है इसके बारे में हमें थोड़ा सा भी जानकारी नहीं होता है। तो उसी इंडस्ट्री और जो पढ़ाई हम लोग पढ़ते हैं उनसी दोनों के बीच में जो गैप आता है उसको यहाँ पर सारा चीज़ को सिखाया जाएगा, जिसका नाम रखा गया स्टूडेंट लर्निंग असेसमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा। आप चाहो तो डिटेल्स में आपको यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आप यहाँ पे पढ़ लेना, ठीक है। तो चलिए एक थोड़ा सा और भी थोड़ा सा डीप हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे जो मेनली आपको काम किया जाएगा वो इवेल्युएट किया जाएगा टेक्निकल स्टूडेंट ऑफ द इंडिया फॉर देयर द ओवरऑल क्वालिटी ग्रोथ ड्यूरिंग देयर कोर्सेज ऑफ स्टडी इन ऑर्डर टू गेट द अप्रोप्रिएट एम्प्लॉयमेंट दैट बेस्ट सूट स्टूडेंट ऑफ द कैपेबिलिटी। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी परख पर रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको जैसे इंडस्ट्री में कैसे प्लेसमेंट होती हैं, ठीक है, इंडस्ट्री में क्या रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे आपको वहाँ पे स्किल सिखाए जाएंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, जो कि AICT के द्वारा इस बार लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो एक काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन अच्छा चीज़ होने वाला रहेगा, आप जाकर रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर जो फर्दर जो स्टूडेंट हैं उनको क्या कैपेबिलिटी होना चाहिए था, अगर टेक्निकल फील्ड में क्या जरूरत होने वाला रहेगा, यहाँ पर सारी चीज़ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो प्लीज़ रजिस्ट्रेशन आप जरूर करना। उसके बाद से मैं आपको सिंपल वर्ड में एक और बात बताना चाहूँ तो आप जो है कि यहाँ पे इवेलुएट किया जाएगा अपने ग्लोबल कंपेटिटिवनेस ऑफ द स्टूडेंट फैकल्टी एंड द हेयर डिपार्टमेंट ऑफ द क्रिएटिव एंड द मोर इफेक्टिव सिस्टम ऑफ द टेक्निकल हायर एजुकेशन इन इंडिया। मतलब कहने का ये जो स्कीम है ये केवल और केवल स्टूडेंट ही नहीं, उनके साथ साथ फैकल्टी HOD जो कोई भी इंटरेस्टेड है इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए वो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं और अपने स्किल को यहाँ पे इन्हांस कर सकते हैं। तो यहाँ पे और भी काफ़ी सारा चीज़ें यहाँ पे डिटेल्स में दे रखी हैं, आप चाहो तो यहाँ पे पढ़ लेना।
मैं अभी पढ़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबा होने वाला रहेगा, तो मैं पूरा पढ़ूंगा तो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, पढ़ने वाले होगा तो आप पढ़ ही लोगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे जो इन्फॉर्मेशन था वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब चलिए मैं मूव करता हूँ AICTE के ऑफिशियल साइट पर, और वहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको सारा प्रोसेस कम्प्लीट करना है। तो चलिए वीडियो को आगे मूव कराते हैं। तो सिंपल आपको क्या करना है, AICTE के ऑफिशियल साइट पर चले जाना है, और जैसे कि मैंने अभी गूगल पर सर्च कर लिया AICTE, यहाँ पर सर्च करके आपको AICTE के ऑफिशियल साइट यहाँ से भी जा करके आप कर सकते हो, या यहाँ पे परख डायरेक्ट लिखा हुआ भी आ रहा है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो चलिए अभी मैं परख डायरेक्ट अगर हमको मिल जाता है तो मैं परख पर ही क्लिक करूँगा, और फिर उसके बाद से इसके रजिस्ट्रेशन को सक्सेसफुली कर लूँगा। तो परख पर मैंने यहाँ पर क्लिक किया है, और जैसे मैं क्लिक करूँगा तो इस वाले पेज पर आप चले जाओगे। इस वाले पेज में आपको क्या करना है कि एक रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा, इस वाले रजिस्टर पे आपको सिंपली क्या करना है, क्लिक करना है। देन उसके बाद से आपको चूज करने को मिलेगा स्टूडेंट का एक ऑप्शन, आपको स्टूडेंट को चूज कर देना है। स्टूडेंट को जैसे आप चूज करोगे तो आपको यहाँ पे भी कुछ डिटेल्स भरने को मिलेंगे, बट इसको आपको फिल नहीं करना है, ये अपना लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। आपको इंडिविजुअली करना है, तो आप इंडिविजुअली एक नीचे ऑप्शन आता है रजिस्टर इंडिविजुअली करके, इस पर आपको सिंपली क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैंने सिंपली यहाँ पर क्लिक करा। अब क्लिक करने के बाद से कुछ और भी आपको डाटा फिल करने के लिए आ चुके हैं, तो यहाँ पर हमको सारे डिटेल्स को फिल करना है। तो सबसे पहले जो आपको डिटेल्स फिल करना है वो आपको इंस्टीट्यूट टाइप सेलेक्ट करना है, कि मतलब वो AICTE से अप्रूव्ड है या अप्रूव्ड नहीं है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा कि AICTE से मेरा कॉलेज अप्रूव्ड है। ऑलमोस्ट जितने भी AKU के यूनिवर्सिटी है वो सभी के सभी AICTE से अप्रूव्ड हैं। उसके बाद से आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है कि आप कौन से इंस्टीट्यूट में अभी पढ़ रहे हो, ठीक है। इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करने के लिए आप सबसे पहले क्या करना है कि पहले AICTE अप्रूव्ड यहाँ पे चूज कर लेते हैं। उसके बाद से एक ऑप्शन जो यहाँ पे मिल रहा है सेलेक्ट इंस्टीट्यूट, ठीक है, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ढेर सारी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। तो सारे ऑप्शन को हमको नहीं खोजना है, अपना कॉलेज खोजना है बस। तो मैं यहाँ पर सर्च करने वाला हूँ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग का कॉलेज है मेरा, तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मेरा बांका है, तो बांका मैंने सर्च कर दिया। और यहाँ पे नीचे में देखो कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बांका आ भी चुका होगा, तो यहाँ पे सिंपली इस कॉलेज को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज आ चुका है। उसके बाद से सिंपल ये सारा प्रोसेस आपको यहाँ पर डाटा को फिल कर देना है। और एक डिटेल्स मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो आपको इनरोलमेंट नंबर जो दिया है, इनरोलमेंट नंबर पर आपको क्या सेलेक्ट करना है, वो इनरोलमेंट नंबर पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर चूज करना है, जो कि आपको AKU यूनिवर्सिटी में आपको मिला होगा। तो इनरोलमेंट नंबर में आपको क्या चूज करना है, AKU यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर चूज करना है। तो इतना करके मैं फिर आपसे आगे बात करता हूँ। तो सारा डिटेल्स फुल करने के बाद से आपको नीचे रजिस्टर का एक ऑप्शन मिलेगा, तो रजिस्टर वाले पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है, और ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगा। देख सकते हो कि यहाँ पे मैसेज लिख दिया है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। तो अब चलिए आगे आपको बताते हैं। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद से कुछ इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, और इस इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है कि यहीं कि जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है उस रजिस्ट्रेशन को इंस्टीट्यूट के द्वारा, यानी कि जो भी आपका कॉलेज होगा उस कॉलेज के थ्रू आपका इसका रजिस्ट्रेशन जो है आप वेरीफाई किया जाएगा, और वहाँ से वेरीफाई करके आपको फिर मेल भेजा जाएगा। फिर मेल को आपको खुद से वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के बाद से फर्दर आगे बढ़ना है, और आगे जैसे आप बढ़ोगे तो उसमें भी काफ़ी सारे स्टेप है, ठीक है, अपना फ़ोटो सिग्नेचर, ठीक है, आपको सारा चीज़ भी अपलोड करना पड़ेगा, तो उन सभी पर बात करेंगे। बट अभी आपको क्या करना है कि आपको 30 से 40 मिनट के अंदर आपको एक मेल आएगा जो कि इंस्टीट्यूट वेरीफाई करके भेजा है, तो उसका 30 से 40 मिनट आपको क्या करना है, वेट करना है। ये हो सकता है आपके कॉलेज में कुछ ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा, तो आप वेट करना, हो सकता है ये एक दिन का भी टाइम लग जाए, तो आप प्लीज़ वेट करना, आपको आपको मेल आएगा, ठीक है। तो मेल का वेट करते हैं हम लोग भी, और फाइनली मेरा मेल जब आएगा तो फिर मैं वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। तो फाइनली मैंने 2 घंटा वेट किया था, ठीक है, 2 घंटे के बाद से ये मेल मुझे आ चुका है, जहाँ पे AICTE परख करके आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। और इस 2 घंटे के बाद से वेट करने के बाद से फाइनली आपका ये मेल आ चुका रहेगा, आपका भी मेल इस तरीके से आ जाएगा। और जैसे आप नीचे मेल के अंदर आओगे तो यहाँ पर वेरीफाई मेल करके लिखा रहेगा, इस मेल पर आपको क्लिक करके अपने मेल को वेरीफाई करना है। तो चलिए वेरीफाई करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो वेरीफाई हो करके सक्सेसफुली आपको लिख देगा, ठीक है। तो सक्सेसफुली लिखने के बाद से आप इस वाले पेज पे चले आओगे,
और इस वाले पेज पे आपको जो लॉगिन आईडी आपको मिला था, ठीक है, जो कि आपका ईमेल आईडी होगा, ठीक है, और एक ईमेल डालेंगे यहाँ पे, और ईमेल डालने के बाद से आपने जो अपना पासवर्ड बनाया था शुरू शुरू में उस पासवर्ड को यहाँ पे डालना है। उसके बाद से कैप्चा दिया हो, कैप्चा को डाल करके इसमें आपको क्या होना है, साइन इन हो जाना है। साइन इन जैसे होगा तो वहाँ पर और भी स्टेप हैं, उन सभी स्टेप्स को मैं अंदर चल के एलिब्रेट करता हूँ। तो चल बने रहिएगा वीडियो का अंत तक, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही आप अपना आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन हो जाओगे, तो जैसे आप लॉगिन हो जाओगे तो आपको एक प्रोफाइल बन गया होगा अपना मेल आईडी के नाम से, ठीक है। तो आप देख सकते हो वहाँ पे, आप चाहो तो अपने यहाँ पे फोटो भी लगा सकते हो, बट अभी मैं नहीं लगाने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद से आपको जो करना है, यहाँ पे सारे डिटेल्स आपको दिया रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे जो कुछ बेसिक डिटेल्स आपसे पूछे जा रहे हैं उन सभी को आपको यहाँ पे भर देना है। जैसे आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है, अल्टरनेट ईमेल भरना है, ठीक है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर भरना है, जेंडर भरना है, प्रोग्राम भरना है, कौन सा कोर्स लेना है वो कोर्स भरना है, ठीक है। उसके बाद से आपका बैच कौन सा ईयर है वो आपको लिखा रहेगा, फिर कैटेगरी भरना है, फिर परमानेंट एड्रेस भरना है, डिस्ट्रिक्ट भरना है, ठीक है, सारा चीज़ जो भरना है। उसके भरने के बाद से आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो चलिए इतना करते हैं, फिर आपको फर्दर आगे भी हम लोग बताते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर सारे डिटेल्स मैंने यहाँ पर भर दिया है, और भरने के बाद से आपको लास्ट में नीचे जो सेव वाला ऑप्शन था उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ये कर देना है। और करने के बाद से आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे तो फर्दर आप आगे बढ़ जाओगे, और यहाँ पर रिकॉर्ड जो है सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब इसके बाद से आपको देखिए जो भी डिटेल्स अभी तक ने आपने भरा हो वहाँ पे डिटेल्स सारा दिखाया जा रहा है, ठीक है। और इसके बाद से आपके बाद से इसके बाद से नीचे में और देखते हैं क्या करना है, नेक्स्ट वाला बटन पे क्लिक कर देना है, क्लिक कर दूंगा। और जैसे मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पर देख सकते हो कि अब जो आपसे पूछा जा रहा है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी है मैं उसको जल्दी जल्दी फिल कर लेता हूँ। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आपको इसमें टेंथ चूज कर लेना, और टेंथ का जो भी डिटेल्स जैसे कि आपको कौन सा बोर्ड से आपने टेंथ कर रखा है वो लिखना है, फिर किस कॉलेज से कर रखा है, कौन कौन सब्जेक्ट था, फिर कब पास किया, परसेंटेज जितना था वो उतना लिख देना है आपको। तो आपको एक बॉक्स आएगा फिल करने को, उसको फिल कर देना है, ठीक है। तो इसको एक बार फिल करना है, फिर वापस से इसी बॉक्स में जा करके आप 10+2 किए होंगे या डिप्लोमा किए होंगे, दोनों के लिए सेम ही है, इस वाले बॉक्स में आपको चूज कर देना है, ठीक है। चूज करने के बाद से आपको क्या करना है, एक सबमिट का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, इस सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। और जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, इसमें से कि यूनिवर्सिटी ये सब नाम पूछा जाएगा, इसको फिल कर देना है। तो आपको सारा डाटा यहाँ पे फिल कर देना है, और फिल करने के बाद से नीचे जो एक नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा होगा इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो अभी मैंने सेव कर दिया, और सेव करने के बाद से यहाँ पर आपको फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना है, फिर सिग्नेचर, और फिर कॉलेज का आईडी कार्ड आपको अपलोड कर देना है। तो मैंने पहले से अभी अपलोड कर दिया था, तो ये इस स्टेप को मैं सेव करके आगे यहाँ पे बढ़ जाऊँगा। तो मैं यहाँ से आगे बढ़ जाऊँगा तो यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है। फिर नेक्स्ट में आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ और भी डिटेल सबसे पूछे जा रहे हैं, जैसे कि आपका हॉबीज पूछा जा रहा है, तो हॉबीज क्या है वो आप यहाँ पर बता सकते हो। तो जैसे कि मेरा जो भी हॉबीज है वो मैं आपको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपका जो जो हॉबीज होगा उसको आप सेलेक्ट कर लेना। तो मैं सबसे पहला चूज कर लेता हूँ एक्सप्लोर वेयर यू लाइव एंड सेकंड रीडिंग। तो दो चीज़ मुझे ज़्यादा पसंद है, साथ ही साथ मुझे राइटिंग भी पसंद है, तो तीन चीज़ को मैं यहाँ पे हॉबीज के सेलेक्ट तौर पे सेलेक्ट कर लिया हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, दो आप कर लेना, मैंने भी दो तीन कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद से आपसे लैंग्वेज पूछा जा रहा है, कौन सा लैंग्वेज आप जानते हो। तो मैं हिंदी जानता हूँ, हिंदी को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद से इसी तरीके से स्लीपिंग पूछा जा रहा है आपका, उसी तरीका से आप जो भी चीज़ें पूछा जा रही है वो आप वन बाय वन करके भर लेंगे। तो चलिए मैं इसको फटाफट से भर लेता हूँ, फिर आपसे नेक्स्ट बात करता हूँ। तो यहाँ पे सारा डिटेल्स मैंने भर लिया है, और काफ़ी ज़्यादा केयरफुल होकर भरना सारा चीज़ों, काफ़ी ज़्यादा डिप में आपको सारा चीज़ यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप क्या करते हो, क्या पसंद करते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, एवरीथिंग पूछ लिया गया यहाँ पे। मुझे तो अजीब सा ही लग रहा है इस फॉर्म को भरते हुए, बट कोई नहीं, ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, आपको भरना ही चाहिए था। तो मैंने सारा चीज़ यहाँ पर भर दिया, अब यहाँ पर सेव पर क्लिक कर दूँगा, और सेव करने के बाद मैं आगे बढ़ जाऊँगा। तो रिकॉर्ड जो है कि सक्सेसफुली रिकॉर्ड हो चुका है। इसके बाद से पर्सनल डिटेल्स पर आपको आ जाना है, तो यहाँ पे कुछ और भी बेसिक डिटेल्स आपको भरने पड़ेंगे। तो यहाँ पे सारे डिटेल्स जो है कि मैंने ऑलरेडी भर रखा है वो सारा चीज़ मेरे को शो हो रहा है। और इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे आई हैव कन्फर्म दैट द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड आर द करेक्ट, इसको आपको क्या करना है, कन्फर्म कर लेना है। और कन्फर्म करने के बाद से आपको यहाँ पे
सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है, जो कि आपको स्क्रीन पे कुछ इस तरीके का सबमिट बटन दिख रहा होगा, तो इस पर आपको क्लिक करके सबमिट कर देना है, ठीक है। अब जैसे ही आप सबमिट कर दोगे तो कुछ इस तरीके से आपके साथ साथ एक इंटरफेयर आ जाएगा, और यहीं पे एक ऊपर में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा प्रिंट का, ठीक है। तो इस पर आपको प्रिंट पे क्लिक करके इसको प्रिंट कर लेना है, ठीक है। और ये प्रिंट कर लेना है चूँकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपको प्रिंट करना ही करना है। अभी मैं एक और प्रोसेस बताने वाला हूँ, उस प्रोसेस से भी गुजरना है। तो फाइनली चलिए यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं। तो फाइनली प्रिंट करने के बाद से कुछ इस तरीके से आपको ये देखने को मिल जाएगा, जो कि AICTE का लोगो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद से देख सकते हो कि सारे डिटेल्स जो भी आपने फिल करे थे वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लुक में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो अब इसके बाद से आपको क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस में अभी डिस्कस करता हूँ। तो जैसे ही आप अपना प्रोफाइल सबमिशन कर दोगे तो आपको जो है कि कुछ और सारे ढेर सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एप्लीकेशन डिटेल्स दिखेगा, ठीक है, ग्रेजुएशन डिटेल दिख जाएगा, असेसमेंट दिख जाएगा, ठीक है, असेसमेंट रिपोर्ट दिखाएगा और डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। तो सारा ऑप्शन आपके लिए इनेबल हो जाएगा। अगर आप असेसमेंट देना चाहोगे तो असेसमेंट वाले पर क्लिक करोगे, और यहाँ पर जैसे कि मैं थोड़ा सा नीचे करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो कि टेक टेस्ट करके है, तो आप यहाँ से टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपको कुछ डैशबोर्ड में देखना है आपका परफॉर्मेंस वगैरह, तो आप डैशबोर्ड में क्लिक करके अपना परफॉर्मेंस दे सकते हो कि कितने टेस्ट अभी तक मैंने दिए हैं, कितने नंबर आए हैं, कितने टेस्ट कब दिए थे, क्या किए थे, सारा डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है कि आप परख को यहाँ पर पूरा कम्प्लीट फॉर्म को सबमिशन कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप फॉर्म को सबमिट कर दो तो आपको एक मेल भी गया होगा, उस मेल के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपका जो है फॉर्म सबमिशन वो कंफर्म कर दिया गया। तो चलिए मेल को भी दिखा देते हैं। तो देख सकते हो कि इस तरीके से आपको मेल आ जाएगा, ठीक है। अभी मैंने सबमिट किया फाइनल, तो ये अभी आया है 6:11 में आया है, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हो, आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि कंग्रेचुलेसन करके आपको बताया जाएगा कि आपने जो है सक्सेसफुली अपना सबमिशन कम्प्लीट कर दिया, प्रोफाइल वगैरह अपना कम्प्लीट कर दिया, जो कि AICTE से यहाँ पर आपको परख के द्वारा रजिस्ट्रेशन का जो है कि प्रोफाइल सबमिट कर दिया गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपने कंफर्म कर लिया, तो आपका जो है परख कंप्लीट हो चुका है। अब आपका इसका फ़ायदा और घाटा आपको सारा चीज़ मैंने शुरू में ही बता दिया था, तो आई होप कि आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद से एक और स्टेप करना है, उस स्टेप के ऊपर हम लोग चलिए बात करते हैं। तो जैसे ही आप कंप्लीट परख फॉर्म को पूरा कंप्लीट भर लोगे, उसके बाद से आप जिस भी कॉलेज से होगे उस कॉलेज के थ्रू एक आपको कि ड्राइव का लिंक आपको दिया गया होगा, ठीक है। उस ड्राइव के लिंक के थ्रू एक आपको फॉर्म को फिलअप करना होता है, ठीक है। इस फॉर्म में आपको बेसिकली अपना जो भी अपना ब्रांच है, जो भी आपका ईमेल आईडी है, पासवर्ड है, सॉरी पासवर्ड नहीं आपको देना है, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है और नाम है उसको आपको फिल कर देना। उसके बाद से जो भी मैंने अभी प्रिंट करके आपको दिखाया था, जो कि परख का मैंने कम्प्लीट भरा था, उसका प्रिंट आउट आपको यहाँ पर अटैच कर देना, ठीक है। इसको अटैच करने के बाद से आपको रिमार्क हो तो कुछ दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, और यहाँ पे आप फाइनली आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे फाइनली सबमिट कर देता हूँ, ठीक है, बट सबमिट कर देता हूँ। बट आप लोग ऐसा मत सोचना कि सबमिट करने के बाद से आप लोगों के कॉलेज में अगर ऐसा कुछ लिंक वगैरह प्रोवाइड नहीं किया गया जहाँ पर आपको रिकॉर्ड मांगा गया हो आपके कॉलेज के थ्रू, तो ऐसा कोई बात नहीं है, बहुत सारे कॉलेज में नहीं भी मांगा जाएगा ऐसा मेरे को जहाँ तक कि लगता है, ठीक है। तो ये मेरे कॉलेज को रिपोर्ट मांगा गया था, मैंने अपलोड कर दिया। अगर आपके कॉलेज में ऐसा रिपोर्ट नहीं भी मांगा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है कि परख को जो रजिस्ट्रेशन करके आप प्रोफाइल कंप्लीट करके भी आप छोड़ सकते हो। तो आई होप कि आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा।